एक्सपर्ट और आज हम करने जा रहे हैं Amazon पर रिलीज हुई फिल्म नॉकटर्न का रिव्यू। प्लम हाउस प्रोडक्शन की ये फिल्म लगभग 1 घंटे 30 मिनट की है। इस फिल्म को इंग्लिश में रिलीज किया गया है और ये फिल्म हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में है सिडनी और मैडिसन। सिडनी और मैडिसन इस फिल्म में ट्विन सिस्टर का रोल निभाई है। सिडनी ने निभाया है जूलियट का रोल और मैडिसन ने निभाया है विवियन या वी का रोल। इस फिल्म में दिखाया गया है जूलियट और वी दोनों ही एक ही म्यूजिक एकेडमी के स्टूडेंट रहते हैं और जूलियट का पूरा फोकस अपने म्यूजिक पे रहता है और उसकी टीनेज वाली पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रहती। और जबकि दूसरी तरफ वी म्यूजिक के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करती है। फुल डेडिकेशन के बाद भी जूलियट हमेशा वी से पीछे रह जाती है और वी टीचर्स की नजर में भी एक स्टार म्यूजिशियन रहती है। जूलियट और वी के बीच का यही डिफरेंस जूलियट को फ्रस्ट्रेट करता है, यही फ्रस्ट्रेशन दोनों बहनों के बीच में नफरत पैदा कर देता है। और ये नफरत और फ्रस्ट्रेशन जूलियट को एक अलग दिशा में मोड़ देता है और फिर शुरू होता है मिस्टीरियस घटनाओं का क्रम। इस मिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और अब आइए बता दें इस फिल्म का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या। इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि ये फिल्म और हॉरर फिल्म्स की अपेक्षा थोड़ी डिफरेंट लगी और इस पूरे फिल्म में आपको पियानो म्यूजिक सुनने को मिलेगा जो कि काफी सूदिंग लगा है। इस फिल्म का नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये फिल्म स्टार्टिंग में काफी स्लो है और स्टार्टिंग के आधे घंटे ये आपको काफी बोर करने वाला है। और इस फिल्म का कंक्लूजन ये है कि हमें ये फिल्म वन टाइम वॉचेबल लगी। आप लोगों ने जैसे सुना होगा प्लम हाउस प्रोडक्शन की हॉरर फिल्में काफी अच्छी होती हैं, हिट होती हैं। अगर हम इस फिल्म की कंपेयर करते हैं और फिल्मों से तो ये थोड़ा फीकी लगी। और अगर आप लोगों को इस फिल्म का रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो